नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से और बाजार बीच हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ ठीक बजट के पश्चात। और माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट पेश कर दिया है और हमारी राय में जो बातें अहम की गई हैं वो है केपेक्स पर खर्च करने की बातें, व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि पर्सनल टैक्स रिलीफ को लेकर के, कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवंटन किया गया है बजट में, वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बजट पेश किया, ये सबसे अहम बात है हमारे लिए। रोजगार खड़ा करने का बहुत बड़ा मौका बजट में पेश किया गया है। मार्केट से जुड़े हुए जो भी टैक्स है उसमें किसी भी तरह का फेरबदलाव नहीं किया, ये एक बहुत ही बड़ी दूसरी बात है। और एमएसएमई और एसएमई को लेकर के काफ़ी कुछ बातें वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में की, तो इन सब बातों को लेकर के हमें लग रहा है। और शुरुआत तो थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ थी लेकिन जैसे जैसे बजट पेश किया गया और उस वित्त मंत्री जी का जो विश्लेषण था उसके ऊपर और विचार करके उसका आकलन किया गया, उसके पश्चात जो बातें ध्यान में आई उसके कारण बाजार ने बहुत ही मजबूत ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। और अभी बजट के पश्चात तुरंत जब मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो कुछ तरह आपको बता देता हूं सेंसेक्स निफ्टी बैंक के, रुपये डॉलर और कच्चे तेल के। तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 60,575 पे, 1025 पॉइंट की बढ़त है सेंसेक्स पर। निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,920 पर, 260 पॉइंट की बढ़त है। निफ्टी बैंक 41,550 पॉइंट की बढ़त है। और रुपया थोड़ा बहुत मजबूत है डॉलर के सामने, रुपया डॉलर का स्तर है 81.70 रुपया एक डॉलर का। कच्चे तेल यानी कि ऊर्जा बाजार या फिर क्रूड ऑयल ब्रेंड का दाम है 85.57 डॉलर प्रति बैरल। और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 79.05 डॉलर प्रति बैरल। तो ये स्तर है दोस्तों बाजार का अभी जब बजट के पश्चात तुरंत मैं आपसे जुड़ा हूँ। हो सकता है बाजार बंद होते होते थोड़ी बहुत परिस्थिति और स्तरों में आपको बदलाव आते दिखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि विकास को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है। और आज सुबह और अभी कुछ दिन पहले जबकि बजट पेश नहीं किया गया था तब काफी कुछ विकल्प लगाए जा रहे थे, तर्क लगाए जा रहे थे कि ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है तो शायद लोगों को खुश करने के लिए मन लुभावन बजट पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत ही सराहनाजनक बात है और रोजगार खड़ा करने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं इस बजट में, इससे हम बहुत ही संतुष्ट हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में जो बातें वित्त मंत्री जी ने बजट में हमारे सामने रखी हैं उसको बारीकी से देखा जाएगा, लाइनों के बीच में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है उसके बारे में बातें होंगी, और आने वाले भविष्य में इस बजट को लेकर के कैसा असर पड़ेगा हमारी विकास दर पर, अर्थव्यवस्था पर, निजी जिंदगी पर, खास करके जो किसान भाइयों और बहनों के लिए कृषि क्षेत्र में बदलाव किए गए हैं या फिर राशि उपलब्ध कराई गई है उसको लेकर के मेरे ख्याल से इस पर विश्लेषण होगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि हर बार की तरह एक बहुत ही सूझबूझ और समझ के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है और इसका सकारात्मक सा असर लंबी अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर पर आपको आते हुए दिखेगा। दूसरी तरफ दोस्तों जब तक सवाल है तीसरी तिमाही का, तो अब तक जो भी हमने आंकड़े देखे हैं कंपनियों के तीसरी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष में, अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी निराशा नहीं है। और सराहनाजनक बात यह भी है कि कुछ क्षेत्र में और कुछ कंपनियों में जो उम्मीद थे उससे बेहतर आंकड़े आए हैं और हम इस उम्मीद से आगे चलते हैं कि आने वाले आखिरी यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के
और आने वाले वित्त के वर्ष के शायद यहाँ से सुधार की आप उम्मीद और आशा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी जो खबरें या फिर समाचार थे उसको लेकर के कोई खराब परिस्थिति नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई खबरें उभर करके ना है। लेकिन जो स्तर का हमने जिक्र किया था 17,800 का, वो टूट गया पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते 10 दिन में, जब बिकवाली हावी हुई थी। हमने दूसरा स्तर नीचे की तरफ की बात की थी कुछ हफ्ते पहले, वो था 17,500 का, वो भी अंतरादिवसीय में यानी कि इंट्राडे में टूटा था, लेकिन बाजार बंद हुआ तो 17,500 के ऊपर जाकर के बंद किया। और जो स्तर मौजूदा चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि अब शायद धीरे धीरे करके बाजार थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश करेगा। जो बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हावी हुई थी, उसका सामना स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने बहुत ही बखूबी किया, और उसके कारण जो नीचे के तरफ के दबाव थे वो थोड़े बहुत सुरक्षित रह गए। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से थी, इसमें थोड़ी बहुत रोक लगेगी। बजट जो पेश किया गया है और जो विश्लेषण होगा बजट का, उसको ध्यान में रखते हुए शायद खरीदारी आ सकती है शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। और जो स्पष्टीकरण माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में दिया है, उसके कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहां पर भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जोर शोर आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा आकलन ये है कि बजट ने जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरा है। जो चीजें नहीं करनी थी वो वहां पर वो नहीं की गई है, और इसके कारण मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सा असर न तो सिर्फ शेयर बाजार पर आएगा, लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, विकास दर है, उस पर भी लंबी अवधि में एक सकारात्मक का असर आ सकता है। दोस्तों, हर बार की तरह हम कुछ विकल्प देते हैं निवेश करने के लिए, लंबी अवधि के लिए। एक क्षेत्र जो माननीय वित्त मंत्री जी ने ज्यादा बात नहीं की वो था डिफेंस क्षेत्र, सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जहां पर काफी कुछ सरकारी कंपनियां हैं और कुछ निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। और जिस तरीके से पिछले कई बजटों में डिफेंस एफडीआई को लेकर के या फिर सुरक्षा क्षेत्र को लेकर के घोषणाएं की गई थी, उस तरह की घोषणाएं इस बजट में मेरे ख्याल से सुनने नहीं मिली। तो ये एक शायद थोड़ी बहुत निराशाजनक बात हो सकती है छोटी मध्यम अवधि के लिए। लेकिन अगर आप हर एक जो सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है उसकी मैनेजमेंट की टिप्पणियां सुने, तो उनके ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, एग्जीक्यूशन को लेकर के कोई सवाल या निशान नहीं है, और आने वाले भविष्य में न तो सिर्फ हमारी देश की सेवा होगी लेकिन विदेशी मुल्कों से भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी तर्क के आधार पर एक छोटी सी कंपनी लेकिन बहुत ही सक्षम, मजबूत और भविष्य उज्जवल वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी BEL। हाल ही में इसके नतीजे आए थे, हमारे जो अनुमान थे उसके मुताबिक थे, कुछ पहलुओं पर हमारे जो उम्मीद थी उससे बेहतर आए, और जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां कही ऑर्डर बुक को लेकर के, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि जो मूल्यांकन पर BEL का शेयर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। तो एक मौका है, अगर आपको डिफेंस क्षेत्र में ध्यान रख करके किसी एक कंपनी में निवेश करना है तो वो कंपनी होगी BEL। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं। तो एक बात स्पष्ट आपके ध्यान में होनी चाहिए, वो है लंबी अवधि की समय सीमा जब आप इस कंपनी में निवेश करते हैं। तो पहला विकल्प है BEL। दूसरा विकल्प है निजी क्षेत्र की एक छोटी मझौली बैंक, कह सकते हैं आप इसे। इस बैंक के ऊपर RBI के तरफ से फटकार मिली थी जिसके कारण काफी कुछ करेक्शन आया था, नीचे के तरफ के दायरे देखे थे, और अब करेक्शन के पश्चात हमें लग रहा है कि मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर भी नीचे के तरफ के दायरे सीमित लगते हैं। और अगर लंबी अवधि की विचारधारा रख के यहाँ पर भी अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। नाम है सिटी यूनियन बैंक, निजी क्षेत्र की एक छोटी मझौली बैंक। जो नतीजे आए थोड़ी बहुत उम्मीद के ऊपर थे, और कुछ एक या दो आंकड़े जो थे वो थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए थे, लेकिन हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो भी करेक्शन आया है, जो भी फटकार लगी है, और आने वाले भविष्य में वित्तीय क्षेत्र, खास करके बैंकिंग सेक्टर का जो भविष्य हमें लग रहा है वो काफी उज्जवल है। इसी तर्क के आधार पर दूसरा विकल्प निजी क्षेत्र की छोटी मझौली बैंक सिटी यूनियन बैंक। तो दो विकल्प दोस्तों आपके लिए, अलग अलग क्षेत्र से, सुरक्षा डिफेंस से जुड़ा भी कंपनी BEL, और निजी क्षेत्र से एक छोटी मझौली कंपनी या फिर बैंक सिटी यूनियन बैंक।
हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें और बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे। धन्यवाद।